हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप मानिक सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ईबुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो किताबों में लिखे होते हैं वो पढ़ेंगे, और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो किताबों में नहीं होते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर क्या होता है, कितना व्यक्ति कंज्यूम करता है कौन कौन सा सिचुएशन में। और ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक व्यक्ति कितना लंबा टाइम तक ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता है, उसके बाद वो उसके लिए डेंजरस होता है। कुछ बेसिक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ ये भी देखेंगे कि एक्सहेल्ड एयर में कितना एक्ज्यूम, एक्सहेल्ड एयर यानी कि ह्यूमन बॉडी द्वारा जो छोड़ा गया होता है ऑक्सीजन, उसमें कितना कितना परसेंट कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑक्सीजन आखिर बनता कैसे है। तो ऑक्सीजन साइकिल को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोग जानते ही हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ह्यूमन हो या एनिमल हो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे लेने के बाद फिर उसको वापस से ऑक्सीजन में चेंज करते हैं, ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ते हैं और वही हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि पेड़ पौधे आखिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके करते क्या है। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग बचपन में पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा क्रिया होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए प्लांट जो है वो अपना फूड है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रेजेंट में बनाते हैं। मतलब जो प्लांट होते हैं अगर उनको सनलाइट दिया जाए यानी सूर्य की रोशनी दिया जाए यानी दिन के टाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर जो हम लोग छोड़ते हैं वो दोनों मिला करके, और जो वाटर होता है सॉयल से वो लेने के बाद वो बेसिकली जो बनाते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। मतलब सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो उसको नॉर्मली सॉयल से प्राप्त होता है, इसके बाद वो अपना खाना बनाते हैं और देन वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी लेता है। अब मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करूँ तो प्रॉपर्टीज़ यही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस माना जाता है एनवायरनमेंट में, इसको प्राण गैस भी कहते हैं, लाइव गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन के ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज यूजुअल कलरलेस, ऑदरलेस, टेस्टलेस होता है जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। स्लाइटली सॉल्युबल होता है 3 भाग 100 भाग में। देखिए बात ऐसा है कि फिर भी इसको हम लोग हल्का सॉल्युबल होता है, लेकिन सॉल्युबल इन वाटर इसलिए मानते हैं क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये आपका पानी का सतह है तो ऑक्सीजन जो है, चूँकि ऑक्सीजन का 1.1 होता है और वाटर का 1 होता है, तो इसका जो सरफेस होता है वो कंज्यूम करता है, कोलाइड करता है, जिसके कारण ये पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है और पानी के लेयर के ऊपर में ही ये अवेलेबल रहता है। तो इसके कारण ये ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुला रहता है और एक्वाटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव कर पाता है। कंबसन के लिए ज़रूरी होता है, अगर आग लगाना है कहीं भी तो ऑक्सीजन होना ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन का आग लगना पॉसिबल नहीं है किसी भी जगह पे। बहुत एक्टिव गैस होता है, किसी भी ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में लगभग सबके साथ ये रिएक्ट कर जाता है। रिएक्शन रेट जो होता है वो स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहा में जंग लगने का केस में, तो वो बहुत स्लो हो जाएगा, और एक्सप्लोजन का बात करेंगे तो उस जगह पे वो बहुत फास्ट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट हो जाएगा। ये सब तो थी किताबों वाली बातें, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ और भी कॉन्सेप्ट। जैसे ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 1-190 डिग्री होता है, मतलब 119 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्रिटिकल प्रेशर 50 ATM होता है। अब पहले मैं आपको क्रिटिकल टेम्परेचर देन आपको क्रिटिकल प्रेशर एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब हो गया कि ऐसा टेम्परेचर जिसके अगर वो क्रॉस कर जाए तो वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विफाइड हो सकता है। अगर उसमें प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करें तो कितना टेम्परेचर और क्या प्रेशर देंगे जिसके कारण वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ नॉन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। सेम एज क्रिटिकल प्रेशर में भी वही होता है कि कितना प्रेशर हम उसको देंगे
कि वो मिनिमम प्रेशर कितना रिक्वायर्ड होगा ताकि वो लिक्विड चेंज हो जाए, एक वो गैस जो होता है मतलब ऑक्सीजन जो गैस होता है उसको लिक्विड में चेंज किया जा सके, उसके लिए कितना टेम्परेचर देंगे दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसके लिए कितना प्रेशर देंगे लिक्विड में चेंज करने के लिए किसी भी गैस को दैट इज़ क्रिटिकल प्रेशर। तो ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर -119 डिग्री होता है और क्रिटिकल प्रेशर 50 ATM होता है। अब मैं बात करता हूँ ह्यूमन बॉडी कितना कंज्यूम करता है, तो एलसी काको की किताब में अगर आप देखिएगा तो 0.5 लीटर प्रति मिनट है। अगर कोई व्यक्ति रेस्ट कर रहा है, बेड रेस्ट है, सोया हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में वो 0.3 लीटर प्रति मिनट जो कि डीजे देशमुख साहब कहते हैं, और 0.5 लीटर प्रति मिनट जो कि आपका एलसी काको साहब कहते हैं। वॉकिंग अगर कोई नॉर्मल काम कर रहा है या वॉक कर रहा है तो 1.5 लीटर प्रति मिनट है, और कोई आदमी अगर हार्ड काम कर रहा है या दौड़ रहा है तो 2.5 लीटर प्रति मिनट वो ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम करता है, उसका बॉडी ऑक्सीजन लेता है। एक क्वेश्चन है कि आप सोच के देखिएगा कि अगर चूंकि एयर में तो बहुत सारे गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन तीनों होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ा दिया जाए, आप नॉर्मल हैं, आपका बॉडी फंक्शन सही से वर्क कर रहा है, आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर फिर भी आप ऑक्सीजन लेते हैं प्योर ऑक्सीजन तो भी डेंजरस है। इसलिए डेंजरस है अगर आप लगातार ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं सिलेंडर से, आपको तो पता ही है कि ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो भी बॉडी के लिए डेंजरस है। 6 घंटा के बाद आपका बॉडी में अल्टर इफेक्ट दिखने लगेगा। तो आप मैक्सिमम जो ऑक्सीजन ले सकते हैं प्योर ऑक्सीजन वो 6 घंटा तक ले सकते हैं। 6 घंटा के बाद आप अगर प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, आपका बॉडी फंक्शन नॉर्मल है, तो फिर आपको उसका एडवर्स इफेक्ट दिखेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ऑक्सीजन हम लोग नॉर्मली ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, हम लोग गैस लेते हैं, एयर से गैस लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन का ये प्रॉपर्टी होता है कि जो हम लोग का बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, टिश्यू को मरम्मत करता है, मरम्मत करने के बाद कुछ इन एनर्जी बनाता है, और वो एनर्जी कभी कभी इनफ हो जाता है, अक्सर इनफ हो जाता है, और वही इनफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन काम में आता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में। अगर ये नहीं हो तो फ्री रेडिकल बॉडी में बन जाता है और वो एडवर्स इफेक्ट दिखने लगेगा उसका, ठीक है। इसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि ऑक्सीजन बैलेंस वे में ले, मतलब नाइट्रोजन भी हम लोग को लेना जरूरी है। मैक्सिमम 6 घंटा ले सकते हैं, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट देखेगा। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन माइंस में कैसे कंज्यूम किया जाता है। तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे कि जो इंसान सांस लेता है उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है। स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है कोल का, कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसमें भी काफ़ी खर्च होता है ऑक्सीजन। कार्बोनेशियस मैटर जितने भी होते हैं उसके कारण होता है, बर्निंग ऑफ FSL यानी फ्लेम सेफ्टी लैम्प के कारण होता है, डीके ऑफ टिम्बर बाई फंक्शनल फंगस ग्रोथ यानी जितना भी डीके ये होता है प्रॉप होता है, लकड़ी वाला सामान होता है, उसमें फंगस के कारण भी ये काम होता है यानी ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। कंपोजिशन ऑफ एक्सहेल्ड एयर के बारे में अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 78% है, जबकि बुक में 80% रहता है कि भैया जो इंसान सांस छोड़ता है उसमें 80% नाइट्रोजन होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए मैंने अदर गैसेस को भी इंक्लूड किया है और आर्गन को भी इसमें अलग से बता दिया है कि आर्गन 1% है, हालांकि इसको अब इसमें जोड़िएगा, और अदर गैसेज जो होते हैं जो इनर्ट गैसेज वगैरह होते हैं उसको भी मैंने इसमें जोड़ा है। जब दोनों को जोड़ दीजिएगा 1% तो 80% ही होगा, बट यहाँ पर मैं स्पष्ट बताया हूँ कि नाइट्रोजन 78%, आपका आर्गन जो है 1%, अदर गैसेस 1%, ऑक्सीजन जो है वो 16.5%, और कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% के आसपास होता है जो इंसान सांस के द्वारा छोड़ते हैं उसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐसे एकेडमिक वीडियो चाहते हैं तो आप टॉपिक ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक पे आप एकेडमिक वीडियो चाहते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ एकेडमिक वीडियो के नॉर्मली, जो लोगों को पता नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी एकेडमिक वीडियो मैं डालता हूँ उसके कमेंट्स मैं अक्सर मॉनिटर करते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।